नाइन्टी परसेंट घरों में गलत तरीके से चाय बनती है आज हम चाय बनाने का सही तरीका देखेंगे और चाय पर चर्चा होगी कि चाय के क्या हेल्थ बेनिफिट्स है किन लोगों को चाय नहीं पीनी चाहिए और साथ में चाय बनाने का वो तरीका देखेंगे जो नब्बे परसेंट घरों में नहीं इस्तेमाल होता पर सबसे पहले जान लेते हैं की चाय पीने ऐसी क्या फायदे होते हैं वेलकम बैक टू डाइट नॉश चाय की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये सवाल आता है की हमें काली चाय पीनी चाहिए या दूध वाली चाय पीनी चाहिए तो रिसर्च कहती है की चाय में दूध मिलाने ऐसी उसके अंदर मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट्स कम हो जाती है लेकिन रिसर्च में ये भी पता चला है कि अगर आप दूध में ज्यादा देर तक चाय को पकाते हैं तो चाय के अंदर मौजूद एंटी बढ़ जाते हैं वो दूध के अंदर ज्यादा इन्फ्यूज हो जाते हैं तो ज्यादा बेहतर ये है की आपको काली चाय पीनी चाहिए अगर आपको दूध वाली चाय पीना पसंद है तो आपको ज्यादा देर तक चाय को पकाना चाहिए वैसे एक सवाल और पूछा जाता है की दिन में कितनी बार चाय पीनी चाहिए इसकी चर्चा हम आगे करेंगे पर पहले चाय से होने वाले फायदे पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों चाय के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसका नाम है पॉलीफिनोल्स इस ग्रुप के एंटी हमारे सेहत के लिए बढ़िया होते हैं और बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियों से हमें सेफ रखते हैं एंटी अगर आपके बॉडी के अंदर होते हैं तो उसकी वजह से सूजन कम हो जाती है डायबिटीज होने का खतरा कम हो जाता है और आपका मोटापा भी इसकी वजह से कम हो जाता है पॉलीफिनोल की तरह एक और एंटी ग्रुप होता है फ्लेवोनॉइड ये स्पेसिफिकली हमारे हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करता है ब्लैक टी के अलावा फ्लेवोनॉइड्स वेजिटेबल fruits, red wine, एंड डार्क चॉकलेट में भी पाया जाता है और ये सभी चीजें आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होती हैं। अगर आप रेगुलरली ब्लैक टी का सेवन करते हैं तो उसके वजह से हार्ट अटैक का खतरा स्ट्रोक का खतरा और डायबिटीज का खतरा कम होता है और इसके साथ साथ ब्लैक टी के इस्तेमाल ऐसी आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है अक्सर ये माना जाता है की जो लोग ब्लैक टी का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ देर के लिए उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है पर इसके रेगुलर सेवन ऐसी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है यानी हमारी लो बीपी एंड हाई बीपी कंट्रोल में रहती है तो आइए देखते हैं चाय बनाने की वो सही रेसिपी जो 90 परसेंट घरों में गलत तरीके से बनती है तो दो कप दूध में दो छोटी चम्मच चाय पत्ती डाले और इसे अच्छी तरह ऐसी उबालने के बाद इसमें एक छोटा टुकड़ा अदरक का डाले ध्यान रहे ठंडे दूध में अदरक कभी नहीं डाले नहीं तो दूध फट सकता है अदरक अच्छी तरह उबलने के बाद इसमें दो चम्मच चीनी डाले चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाले और सबसे जरूरी चीज अगर आप चाय को कोई फ्लेवर देना चाहते हो तो इस वक्त पुदीना के पत्ते या इलायची या फिर चाय मसाला जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसका इस्तेमाल करें अगर आप ब्लैक टी बनाना चाहते हैं तो दूध की जगह आप सिर्फ पानी का इस्तेमाल कीजिए ये चाय हमारी इम्यूनिटी सिस्टम एनहांस करती है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी बीमारियों से लड़ने वाली हमारी ताकत को स्ट्रोंग बनाती है अगर आप नॉन वेज खाते हो और इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हो तो ऊपर आई बटन आरोप मछलियों के बेनिफिट का वीडियो जरूर देखे पर चाय के कुछ नुकसान भी होते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है चाय को अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो इसके फायदों की जगह आपको कुछ नुकसान भी मिलने शुरू हो जाते हैं चाय हमारे खाने के अंदर मौजूद आयरन के एब्जॉर्बन को कम कर देती है अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद चाय लेने के आदि है तो ये आदत आपको तत्काल छोड़ देनी चाहिए खाना खाने के तुरंत बाद चाय लेने की वजह ऐसी आपके अंदर आयरन की डिफिशेंसी हो सकती है और इसकी वजह ऐसी शरीर में खून की कमी हो सकती है चाय के अंदर कैफिन भी होता है जिसको अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो इसके साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिलते हैं जैसे की इसके ज्यादा इस्तेमाल से आपके अंदर बेचैनी की शिकायत होती है और एंगजाइटी भी ऐसे लोगों को हो सकती है इसके साथ साथ आप की नींद भी कम हो सकती है क्योंकि कैफीन आपके माइंड को अलर्ट रखता है और नींद भगाने का काम करता है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादा चाय पीने से एसिडिटी भी बढ़ सकती है पेट के अंदर एसिड बढ़ सकता है और आपका डाइजेशन कमजोर हो सकता है और इसके साथ साथ इसकी लत भी लग सकती है अगर ये आपको नहीं मिलेगी तो सर दर्द या बेचैनी हो सकती है तो सवाल आता है की एक दिन में हमें कितनी चाय लेनी चाहिए तो एक दिन में दो ऐसी तीन कप अगर आप चाय लेते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होती है बल्कि दो ऐसी तीन कप चाय पीने ऐसी आपको अच्छे खासे एंटी मिल जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए बढ़िया होते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करे और अगर आप नॉन वेज खाना पसंद करते हो तो बेनिफिट ऑफ एग्स का वीडियो जरूर देखे नमस्कार मैं हूँ वाला और आप देख सकते हो मेरे चाय बनाने का तरीका